तो हाँ गुरु, ऑफिशियली नारुतो शिपुडेन ब्रेक के ऊपर चला गया, यानी कि नारुतो शिपुडेन के हिंडेड अप को यानी कि पेन आर्क को जो दिखाया जा रहा था वो अब सोनिया के ऊपर ब्रेक पे चला गया है। अब इसका रीजन क्या है, वजह क्या है, आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा भाई लोगों। उसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आप लोगों को अब उल्लू बनाने के लिए आ जाएंगे। वो बोलेंगे कि मेरा सूत्र ये बता रहा है नारुतो शिपुडेन का रिलीज डेट अब है तब है ये, मतलब बोल के आप लोगों को वो उल्लू बनाएंगे। उनसे आप लोगों को बच के रहना है। बोल बच्चन वो बहुत सदा करेंगे, झूठ बोलेंगे और आप लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, जिससे आप लोगों को बच के रहना है। अब ये नारुतो शिपुडेन ब्रेक के ऊपर क्यों चला गया है, उसका प्रूफ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल के अंदर यानी कि सोनिया के शेड्यूल के अंदर अब रात 10 बजे हम लोगों को ओबाचामा कुन को दिखाया जाने वाला है नारुतो शिपुडेन की जगह। तो भाई इससे आप लोगों को कंफर्मेशन मिल चुकी है कि नारुतो शिपुडेन ब्रेक के ऊपर चला गया। अब ये ब्रेक का वजह क्या है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर और मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, तो जाके फॉलो कर लो और प्यार बरसा। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं आपको सच्चाई तो पता ही होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि नारुतो शिपुडेन को ब्रेक के ऊपर क्यों डाल दिया गया, यानी कि सोनी है जो पेन आर्क को दिखा रहा था उसके बीच में ही नारुतो शिपुडेन को उन लोगों ने बंद क्यों कर दिया। तो गाइस इसका सिंपल सा रीजन है डबिंग। हां आप लोग सही सुन रहे हो, इसके ऊपर हम लोगों ने डबिंग डायरेक्टर से बात की थी और बहुत सारी चीजें निकल के आई थी जिसके बारे में मैंने खुल्लम खुल्ला आप लोगों को बताया था, लेकिन कुछ चीजों को मैंने नहीं बताया था। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डबिंग की वजह से ही मतलब इसको ब्रेक लिया गया है। कुछ महीने तक आप लोगों को नारुतो शिपुडेन सोनिया के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। एनिमे लोकल हो गया, एनिमे बूथ हो गया, उनके ऊपर भी देखने के लिए नहीं मिल सकता है। तो मतलब सिंपल सा रीजन है कि इसकी डबिंग कास्टिंग की जा रही है, यानी कि कुछ न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं, इसकी डबिंग अच्छी होनी चाहिए बोल के हम लोगों ने कंप्लेंट किया था डबिंग डायरेक्टर से। उसकी वजह से ही भाई साहब ये जो है ना अब मतलब ब्रेक के ऊपर चला गया है और आप लोगों को ये ब्रेक के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए मतलब हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए नारुतो फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब ये ब्रेक के ऊपर चला गया है, तो सिंपल से हम लोगों को आने वाले वक्त में हिंदी डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बात रही भाई साहब इसे कब से फिर से स्टार्ट किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं इसे फिर से हम लोगों को कुछ महीने के बाद स्टार्ट किया जाएगा। आप देखो इसका रिलीज डेट क्या है आने वाले वक्त में, यानी कि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब वो रिलीज डेट नहीं होगा, किस महीने में दिखाया जाएगा आप लोगों को मैं आराम से बता दूंगा, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा विद प्रूफ होगा। तो गाइस उसका भी इंतजार कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग आके आप लोगों को चूना लगाएंगे कि भाई साहब मतलब ट्रू एनिमे फैन हो तो मतलब ये कर दो, भाई लोगों आ चुका है मेरे पास न्यू सूत्र ने बता दिया है, मतलब उनसे बच के रहो यार, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, आप लोगों को मैनिपुलेट अप किया जाएगा व्यूज के लिए। तो गाइस आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। मिलते हैं गाइस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।